जी उम्मीद है आपने रीडिंग कर ली होगी, इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी हाँ, जो नेशनल असेंबली जो प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास करना होता है ना, 120 डेज उसका वैलिडिटी पीरियड होता है। नेशनल असेंबली अगर चाहे तो उसको मजीद 100 चाहे तो उसको परमानेंट अप्रूव कर दे, चाहे इसको रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट कर दिया तो जिस दिन रिजेक्ट किया उस दिन इसका स्टेटस नल एंड वाइड हो जाएगा, और चाहे तो इसको आर्जी तौर पे मजीद अगर सोचने समझने का टाइम चाहिए तो मजीद 120 दिन के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, नेशनल असेंबली 120 दिन के बाद मजीद 120 दिन की एक्सटेंशन पॉसिबल है। जी जी हाँ बिल्कुल, ऑर्डिनेंस पर सेनेट में भी जाएगा, वो तो रूटीन का प्रोसेस चलेगा ना। जी सेनेटर्स एमपीएस में से होते हैं, एमएनएस में से नहीं, एमपीएस एमपीएस यूज करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, अगर अमेंडमेंट कर दी किसी एक भी हाउस ने तो फिर याद रखे वो सेंट बैक किया जाता है ओरिजिनल हाउस को, ताकि वो उस अमेंडमेंट को अप्रूव कर दे। अगर वो अप्रूव नहीं करता तो फिर जॉइंट सिटिंग में जाएगा। देखिए हमने ये स्टडी किया था कि पार्लियामेंट कोई भी ला ऐसा नहीं बना सकती जो आइन के खिलाफ हो, लेकिन पार्लियामेंट आइन को चेंज कर सकती है। उसकी रीजन ये है कि आइन को बनाया भी तो पार्लियामेंट नहीं है, तो जिसने जो चीज बनाई है वो उसको चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकता है। रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाई है क्योंकि पार्लियामेंट को चेंज करने के लिए ना आइन को चेंज करने के लिए ज्यादा सख्त कंडीशन है। आइन को चेंज करने के लिए कंडीशन, वो शायद मेरा ख्याल है, कंफर्म नहीं है मुझे, लॉ पास करने तो मेजोरिटी ऑफ वोट चाहिए होता है ना, आइन को चेंज करने के लिए शायद 3/4 मेजोरिटी चाहिए, और मुमी तौर पे ऐसा बहुत कम होता है कि किसी सिंगल पार्टी के पास 3/4 मेजोरिटी हो और वो इस पोजीशन में आए कि आइन को चेंज कर सके, जब तक कि कंसेंसस ना हो जाए सबका। ये मेरी जजमेंट, हमारे सिलेबस में ये बात नहीं है, मैं अपने ओपिनियन की बेस पर बात कर। जी नेक्स्ट, जी जी लैप्स ऑफ बिल का मतलब है बिल डिसॉल्व हो गया, बिल खत्म हो गया, बिल नल एंड वाइड, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वाइड होता है ना, जो एग्रीमेंट हमने पढ़ा था उसी तरह बिल लैप्स हो गया मतलब बिल नल, ये तो हमने पढ़ा था ऑफर लैप्स में भी, ऑफर खत्म हो जाता है वो। जी नहीं नहीं वो ठीक है, उसको आगे चल। क्वेश्चन 3, आप प्रैक्टिकल चीजों की तरफ जा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूं, क्लास के बाद इसके ऊपर आप डिस्कस कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा इसका इंशाल्लाह। क्वेश्चन 3, ब्रीफली डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन इन केस ऑफ मनी बिल व्हेन नेशनल असेंबली इज इन सेशन, तो कौन सा वाला प्रोसेस आएगा? ये वाला सारा। नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन, ऑर्डिनेंस वाला आएगा। क्लियर, समझ आ रहा है क्वेश्चन? फिर हाउ इज लॉ प्रोमल्गेटेड, प्रोमल्गेटेड का मतलब इंप्लीमेंटेड, इनेक्टेड, इंप्लीमेंटेड व्हेन नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन, नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है तो क्या होगा? ये ऑर्डिनेंस की बात कर रहा है, ये क्या किस कंसेप्ट के बारे में पूछ रहा है? ऑर्डिनेंस के बारे में, कि नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन हो तो लॉ कैसे बनेगा, ये प्रोसेस बताना है। इन सच लॉ एनी डिफरेंट फ्रॉम द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्या डिफरेंट है? इसकी जो इफेक्टिवनेस है ना उसमें डिफरेंट नहीं है, ये ऑर्डिनेंस उतना ही इफेक्टिव होगा जितना एक्ट होता है, फर्क सिर्फ एक है, क्या? टेन्योर का। व्हाट इज इट्स टेन्योर, टेन्योर क्या है? 120 डे, जो कि अगर नेशनल असेंबली चाहे तो एक्सटेंड नहीं कर सकती है। ये क्वेश्चन थे, एमसीक्यू कल नहीं करेंगे, आज हमारी आखिरी क्लास है। अच्छा, जो स्टूडेंट जाना चाहे वो जा सकते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है, आपने कर लिया, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो जा सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है। पहला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट एंड ही इज इलेक्टेड फॉर ए 5-term बाय हूम, कौन करेगा? सेनेट, नेशनल असेंबली, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, तीनों, डी ऑप्शन करेक्ट।
सेकंड, इन ए क्रिमिनल केस व्हाट इज द नॉर्मल बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेस अपॉन द प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, सिविल केस में क्या होता है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगी बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट बी। नेक्स्ट थर्ड, इन ए सिविल केस ऑफ तलाल वर्सेस काशिफ वेयर ए केस इज ब्रॉट टू द सिविल कोर्ट बाय मिस्टर तलाल हु इज फाइलिंग ए सूट अगेंस्ट मिस्टर काशिफ स्टेट द लीगल पोजिशन। प्लेंटिफ कौन है डिफेंडेंट, तलाल कौन है प्लेंटिफ और काशिफ कौन, ए ऑप्शन करेक्ट। अच्छा सोचे अगर ये क्रिमिनल केस होता तो फिर तलाल को क्या कहते कंप्लेनेंट और काशिफ को एक्यूज्ड। एक्यूज्ड जब इल्जाम लगाया साबित हो जाए तो क्या कहते हैं कन्विक्टेड, एक्यूज्ड में और कन्विक्टेड में यह फर्क है। फोर, क्रिमिनल लॉ एम्स टू कंपनसेट इंजर्ड पार्टी, नहीं ये तो सिविल लॉ का रूल होता है, पेनलाइज रॉन्ग डूइंग, इसको पेनलाइज करना, ये क्रिमिनल का, क्रिमिनल और सिविल लॉ में फर्क में पड़ा था ना हमने। फाइव, द रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न एंड रेगुलेट सोशल कंडक्ट एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ विच कैन बी इनफोर्स इन कोर्ट्स ऑफ लॉ इज नोन एज लॉ। ठीक है। सिक्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स वर्क रिलेटेड डिस्प्यूट्स कॉपीराइट डिस्प्यूट्स एंड क्लेम्स बाय कंज्यूमर अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर आर एग्जांपल्स ऑफ सिविल लॉज डी ऑप्शन। सेवन, पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ ए क्राइम इज कन्विक्टेड, ये टर्म्स के साथ फैमिलियर है ना आप। एट, पाकिस्तान हैज फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल लेजिस्लेचर इज ए बाई कैमरल मजलिस शूरा, पार्लियामेंट कंपोज्ड ऑफ मजलिस प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली और सेनेट, सी ऑप्शन करेक्ट। बाई कैमरल का दो यानी बोथ हाउसेज हैं और प्रेसिडेंट है। नाइन, द प्राइम मिनिस्टर इज सिटेड बाय फेडरल कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुज मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ फेडरल कैबिनेट है तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर की होगी डी। टेन, इफ द ऑर्डिनेंस इज नॉट प्रेजेंटेड और पास्ड बाय नेशनल असेंबली इन द केस ऑफ मनी बिल एंड बाय बोथ हाउसेज इफ इट इज अदर देन मनी बिल इट शैल स्टैंड रिपील्ड आफ्टर कितने डेज के बाद 120 डेज, ए ऑप्शन करेक्ट। 11, ऑल स्टैट्यूट, स्टैट्यूट मीन्स लॉज, ऑल लॉज पास बाय नेशनल असेंबली आर ऑल्सो अप्रूव्ड बाय सेनेट बिफोर प्रोसीडिंग टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट विद द एक्सेप्शन ऑफ मनी बिल सेंड नहीं किया जाता, बाकी सारे बिल नेशनल असेंबली पास होने के बाद सेनेट में भेज। 12, सेनेट इज परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच ऑफ फोर प्रोविंस विद रिप्रेजेंटेशन इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल एमपीएस, सेनेटर्स को कौन अपॉइंट करता है एमपीएस। 13, मनी बिल शैल ओरिजिनेट इन द नेशनल असेंबली आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय द नेशनल असेंबली इट शैल विदाउट बीइंग ट्रांसमिटेड टू सेनेट बी प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। 14, द प्रेसिडेंट मे रिटर्न ए बिल फॉर रिकंसिडरेशन टू नेशनल असेंबली एंड सेनेट इंडिपेंडेंटली या जॉइंटली, बी ऑप्शन करेक्ट। लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ हैविंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बल्क एंड एक्सटेंसिव, ये एडवांटेज नहीं है ये तो डिसएडवांटेज है। इजी क्वेश्चन, परेशान हो रहे थे आप। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, आज के लेक्चर के साथ ही हमारा ये आज का सेशन। अच्छा आपकी कुछ रिवीजन क्लासेस मैंने प्लान किया लेकिन वो कब होंगी कैसे होंगी वो मैं आपको व्हाट्सएप पे गाइड कर दूंगा। वक्तन फक्तन दिन में एक आध दफा व्हाट्सएप देखते रहिएगा, सिर्फ हमारा जो ग्रुप है इसको, बाकी टाइम जाया नहीं करना आपने, ठीक है जी। जी ऑनलाइन लेक्चर, हाँ हाँ जी जी बिल्कुल, रिवीजन प्लान जो है मैं बिल्कुल ऑनलाइन भी अवेलेबल करवा दिया करूँगा इंशाल्लाह, तो आप जिन्होंने घर जाना है वो जा सकते हैं। क्या क्वेश्चन आपका? अच्छा शुक्रिया, हाँ हाँ नो प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम, जजाकअल्लाह। अच्छा आप इतनी मेहनत की आपने, पढ़ना है, अच्छा एक चीज़ और, पढ़ना है आपने और कोई प्रॉब्लम्स हो इधर उधर की एक्टिविटीज़ में कोशिश करना टाइम ज़ाया ना हो। मैं तकरीबन डेली बेसिस पे, तकरीबन ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे दो बजे के बाद, दोपहर दो बजे के बाद अमूमी तौर पे 10 बजे तक कॉलेज में अवेलेबल होता हूँ। आप में से अगर कोई भी इस पूरे अरसे में जब आप फ्री होंगे, महीना सवा महीना जितना भी है, कोई प्रॉब्लम हो तो कोशिश करना इकट्ठी करें, हफ्ते में एक दिन कोई हो, मैं कोशिश करूंगा जब आऊं तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज भी कर दिया करूं कि मैं इस वक्त अवेलेबल हूँ। अमूमी रूटीन मैंने आपको बता दी है, आप ऐसे भी आ सकते हैं वरना कन्फर्म करके भी आ सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम हो तो आपने आके कंफर्म कर सकते हैं मुझसे, मैं इंशाल्लाह कॉलेज में अवेलेबल हूँगा ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो आप ये ना समझिएगा कि ख़त्म हो गया तो सब कुछ ख़त्म नहीं, अभी भी आप आके पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा ज़्यादा आपने घर से बाहर टाइम नहीं गुजारना। ये ना रोज़ कॉलेज लाइब्रेरी आ जाए, बहुत अच्छी बात, सिर्फ एक दो सवाल पूछने के लिए घर से कॉलेज नहीं आना, सवाल इकट्ठे करके 10-12 इकट्ठे हो जाए फिर एक चक्कर में सारे पूछने। क्लियर जी, आज का लेक्चर और आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह हाफिज़।